नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। थाना कोराब के बड़ोखर चौकी अंतर्गत क्षेत्र के पेरी गांव के रहने वाले सत्यम सिंह उर्फ मोनू पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी सोमवार 19 अक्टूबर को मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों 12 अक्टूबर को मृतक सत्यम अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत खलिहान की रखवाली हेतु दलान पर सोया हुआ था, जो कुछ लोग रात में ही उसके ऊपर लोहे की रॉड से सीने पर सिर में प्राण घातक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सुबह काफी देर बीत जाने के बाद भी वह सोकर नहीं उठा तो उसके पिता जाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब ऊपर से चादर हटाई तो देखा सत्यम पूरी तरह से खून से लथपथ हुआ था, जिसे तत्काल घरवालों द्वारा कोराब थाने में घटना की सूचना देकर सीएससी में इलाज हेतु ले जाया गया। सत्यम की गंभीर हालत देख सीएससी कोराब द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल के लिए भेज दिया, जो हफ्ते भर बीत जाने के बाद जिला अस्पताल स्वरूप रानी में इलाज के दौरान मंगलवार 20 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। सत्यम की मौत की खबर सुनते ही थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह उसके घर पर जाकर उचित कार्रवाई हेतु जांच पड़ताल किए और लाश का पोस्टमार्टम कराया। घर वालों का यह भी आरोप लगा है कि अगर पुलिस प्रशासन मामले को संज्ञान में ले ली होती तो शायद यह घटना घटने से बच जाती। यह भी कहा गया कि सत्यम के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने पर तहरीर दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक बना रहा और कोई छानबीन नहीं की, इस पर ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई। उसकी मौत की सूचना पाई तो गांव के किसी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों का घटना के पीछे प्रधानी की चुनावी रंजिश बताई जा रही है। कौन सा ग्राम सभा है? पेरी। थाना कौन सा पड़ता है? प्रयागराज। यहाँ पे जो घटना हुई उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। हम लोग पहाड़ के किनारे से आ रहे थे जी, तो इधर से भाग के नदी गया, नदी पर एक बांस का। ये बताइए, ये जो जो घटना घटित है इसके बारे में आपसे कुछ पूछना है। मैं आप बताओ, ये घटना किस तरह से घटी है बताएं। हम लोग पहाड़ी किनारे से आ रहे थे और इधर से वो भाग रहा था सुबह 5 बजे, और पुल था, पुल डांग का बांस का पेड़ था, उसी जगह वो मोबाइल से फोन कर रहा था। इधर यार उधर के आदमी जनता गांव में आ रहे हैं उधर। और क्या आप को प्रशासन से बोले कि न्याय मिलेगा कि नहीं? प्रशासन के आश्वासन दिया, आश्वासन दे रहा कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। धन्यवाद। प्रयागराज से महेश कुमार पांडे की रिपोर्ट।